हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में आपको अपना बिजली बिल दिखाऊंगा और आप देख सकते हो मेरा आज का जो डेट है दिसंबर का 10 तारीख जो बिजली बिल आया, कितना कम बिजली बिल आया ये देख सकते हो आप। कितना यूनिट है? बस 19 यूनिट पूरे मंथ में खपत हुआ है। और देख सकते हो एक मंथ का मेरा बिजली बिल 76 रुपीज़ आया है, ओनली 76 रुपीज़। तो मेरा घर का जो बिजली है, बिजली बिल वो बहुत कम आता है क्योंकि मैं अपने घर में सोलर सिस्टम लगाया हूँ। तो आप भी अपने घर में सोलर सिस्टम यूज करके अपने घर का बिजली बचा सकते हो। आप देख सकते हो मेरा सोलर सिस्टम 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, यानी कि इस पर टीवी, फ्रिज, एलईडी बल्ब, पंखा सब यूज़ कर सकते हो। ये देख सकते हो भी एलईडी बल्ब सब जो चल रहा है मेरा घर का, जो भी लगभग 7-8 एलईडी अभी भी चल रहा है 9 वाट का, इसी सोलर सिस्टम पे चल रहा है। तो अभी सुबह करीब 8:30-9 बज रहे हैं, तो अभी स्टार्ट भी हो गया है चार्ज होना। और आप में जो भी बैकअप देता है ये 200 AH के बैटरी से बैकअप देता है। और ये मेरा जो इन्वर्टर है 1 किलोवाट का सोलर एनर्जी है, ल्यूमिनियस ब्रांड का, ये भी सोलर इन्वर्टर है आप देख सकते हो। और ये मेरा ल्यूमिनियस का 200 AH बैटरी है। और अपने घर में आप ये सोलर सिस्टम लगा के बिजली बिल बचा सकते हो। ये मेरा सोलर चार्ज कंट्रोलर है, अभी देख सकते हो सोलर से लगभग 7.7 एम्पियर आ रहा है और 73.7 एम्पियर से बूस्ट होकर चार्ज हो रहा है। और ये देख सकते हो इसमें यूनिट भी कितना सेविंग किया है वो भी बताता है, 336 यूनिट अभी तक मैंने सेव किया है। लगभग ये एक मंथ में लगभग ये 50-55 यूनिट सेव कर देता है, यानी एक दिन में 2-2.5 यूनिट तक आराम से सेव कर लेता है। 1 किलोवाट का सोलर मेरा सोलर सिस्टम है। और ये देख सकते हो मेरा मेंस ऑफ है, मैं मेंस हमेशा ऑफ रखता हूँ ताकि मेरा जो घर का सिस्टम है और सोलर सिस्टम वो हमेशा सोलर से ही चले। मेंस ऑन करूँगा तो मेरा बिजली बिल कम नहीं होगा, क्योंकि मेंस ऑन करूँगा तो मेंस से भी चार्ज होगा, मेंस से भी मेरा घर का सारा लोड चलने लगेगा, इसलिए मैं मेंस से हमेशा ऑफ रखता हूँ। और ये जो मेरा सोलर चार्ज कंट्रोलर है, ये मेरा स्मार्ट एंड MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। और ये जो MPPT है ये अच्छा बूस्ट करके चार्ज करता है, डबल बूस्ट करता है। यदि आपके घर में नॉर्मल इन्वर्टर है तो आप इसको सोलर इन्वर्टर आराम से बना सकते हो। ये जो मेरा सोलर चार्ज कंट्रोलर है, आप ये लगा सकते हो अपने घर में। और इसका मॉडल नंबर मैं दिखा देता हूँ। मॉडल नंबर देखिए Prime+ 12V 24V 50 एम्पियर है। ये 12V का पैनल सपोर्ट लेता है और 24V का पैनल दोनों सपोर्ट लेता है। और ये 50 एम्पियर तक आपका बैटरी को चार्ज करेगा। आप इसमें डबल बैटरी भी यूज़ कर सकते हो और सीरीज में भी और पैरेलल में यूज़ कर सकते हो। तो आपने देखा मेरे ये सोलर सिस्टम, मैं आपको अपना सोलर पैनल भी दिखा दूंगा और सोलर पैनल से कितना एम्पियर आ रहा है वो भी आपको सब दिखा दूंगा। तो आप अपने घर में कम जगह पे आप ये सोलर सिस्टम लगा सकते हो, ज़्यादा स्पेस नहीं खाएगा। छत पे आपको सोलर पैनल लगेगा और आपके घर में किसी एक साइड में आप किसी ये सोलर सिस्टम लगा सकते हो। और ये देख सकते हो अभी 9:15 हो गए और मैं आपको अब छत पे लेके चलता हूँ, अपना सोलर सिस्टम दिखाता हूँ। जो सोलर प्लेट लगा है छत पे, कौन सा लगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरा, मैं छत पे आ गया हूँ और ये मेरा सोलर प्लेट है। जो मेरा सोलर प्लेट है ये मेरा अलग अलग वोल्ट का है। ये देखिए अभी धूप भी बहुत अच्छा से आ रहा है और दिसंबर के अभी 10 तारीख है। तो आप देख सकते हो ये मेरा मोनो पैनल है जून सोलर का, और मेरे पास पॉली पैनल भी है। और ये 2022 में ही मैन्युफैक्चर हुआ है इसका, 2022 में ही परचेज किया हूँ मैं। ये दोनों 12 वोल्ट का है, तो दोनों का मैं एम्पियर भी टेस्ट करा दूंगा। तो उसी तीनों सोलर पैनल से मेरा घर का सारा लोड चलता है। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो मेरा घर के नीचे लगा है, आपने जो भी देखा, इसी तीनों पैनल से सारा मेरा घर का लोड चलता है, यानी कि मेरा बिजली बिल जो भी बचत हो रहा है इसी पैनल के थ्रू हो रहा है बचत। तो आप ये सोलर पैनल अपने छत पर लगा करके बिजली बिल बचा सकते हो। जो मेरा सोलर पैनल है जून सोलर का है और PV पावर टेक का है, आप ल्यूमिनियस का भी लगा सकते हो 12V 24V, और लूम सोलर, ल्यूमिनियस, UTL बहुत सारा ब्रांड आता है। UTL का 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाना चाहते हो तो उसका भी मैं आगे प्राइस बताऊंगा, 1 किलोवाट और 2 किलोवाट का प्राइस कितना पड़ेगा और उसमें कितना पैनल लगेगा, कौन सा बैटरी लगेगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा आगे। तो मेरा जो अभी ल्यूमिनियस का सोलर सिस्टम है और पैनल जो है मेरा जून सोलर का है और PV पावर टेक का है। तो मैं आपको अभी इसका एम्पियर भी टेस्ट करा देता हूँ। तो ये जो मेरा PV पावर टेक है इसका मैं दिखा देता हूँ आपको।
कितना कंपनी क्लेम करता है। तो ये देख सकते हो 290 वाट का है और ये ओपन शॉर्ट सर्किट करंट 44 वोल्ट देता है और शॉर्ट सर्किट करंट 8.44 एम्पियर और इसमें 1000 वाट तक का पैनल हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये 24 वोल्ट का पैनल था और जो मेरा जूम चलर का है ये 200 वाट का पैनल है और इसमें जो शॉर्ट सर्किट करंट है 10.31 एम्पियर और मैक्सिमम पावर करंट 9.72 एम्पियर और मेरा 81 वाट का है उसका भी लगभग सेम ही है, थोड़ा सा कम होगा। तो ये रहा इसका जो कंपनी क्लेम करता है और ये मेरा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से आप चेक कर लेंगे कि कितना एम्पियर आ रहा है। अभी तीनों पैनल का चेक होगा एम्पियर, तो तीनों पैनल का हम एक साथ चेक करेंगे। तो ये दोनों जो नीचे की ओर गया है इसको मैं खोल लेता हूँ और इसी से हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो ये हम खोल के अब चेक कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो मल्टीमीटर का भी सुबह के 9:15 में 8 एम्पियर लगभग आ रहा है, 8.91 ये घट बढ़ रहा है, यानी कि लगभग 9 एम्पियर तक का ये सुबह के 9 बजे दे रहा है। जैसे ही अभी धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, धूप बढ़ेगा, ऐसे ऐसे एम्पियर भी बढ़ेगा और ये भी डबल बूस्ट होकर चार्ज हो रहा होगा हमारा जो सोलर सिस्टम है, क्योंकि जो मेरा सोलर सिस्टम है वो सोलर चार्ज कंट्रोलर उसमें लगा है और MPPT लगा है तो वो डबल बूस्ट से चार्ज कर रहा होगा। तो अब मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। यदि आपके घर में थोड़ा कम लोड है तो आप अपने घर का लोड, आप यदि 100 वाट तक आपका घर का लोड है तो आप ये लुमिनियस का लगा सकते हो आप सोलर सिस्टम। तो अमेजन पर जो बता रहा है अभी ये NXG 1100 है 1 kW का सोलर सिस्टम, इसमें एक ही पैनल है लुमिनियस का, ये देख सकते हो लुमिनियस सोलर सॉल्यूशन फॉर होम ऑफिस एंड शॉप हाइब्रिड 1100 हाइब्रिड इन्वर्टर, एक पैनल है इसमें 150 Ah का बैटरी है और 165 वाट का सोलर पैनल है। तो ये छोटा सिस्टम हो गया जो कि इसका दाम पड़ेगा 30,000। यदि आप इससे थोड़ा बड़ा सिस्टम लगाना चाहते हो जो मेरे घर में लगा है उसका खर्च पड़ जाएगा आपको 50 से 60 हज़ार। तो ये देख सकते हो 30,067 रुपया है और इससे थोड़ा सा ज़्यादा आप लोट वाला लगाना चाहते हो तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, आप देख सकते हो 38,000 है जो कि 1400 मॉडल है, जो मेरा एनर्जी 1400 मॉडल है, थोड़ा सा और पावर का है। इसमें 160 वाट का 2 पैनल है तो पैनल बढ़ जाएगा तो इसका पावर भी बढ़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा लोड आप यूज़ कर सकते हो और 150 Ah का सेम बैटरी है। इसके साथ आप 200 Ah का बैटरी भी यूज़ कर सकते हो। मैं 150 Ah का बैटरी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं 200 Ah का बैटरी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा घर का लोड जो है थोड़ा सा ज़्यादा है और ये जो फास्ट बैटरी चार्जिंग है यानी कि बैटरी फास्ट होता है और ये देख सकते हो लो मेंटेनेंस बैटरी है। इसमें सिर्फ आपको बस इसका एसिड जो पानी होता है बस वही मेंटेनेंस करना पड़ेगा और कोई मेंटेनेंस नहीं है। हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस है, लॉन्ग टाइम तक ये चलेगा बैटरी। 160 वाट का पोली पैनल, तो आपने देखा ये पोली पैनल 160 वाट का, इसके आप छोटा लोड घर का चला सकते हो और ज़्यादा लोड है तो आपको मैं आपको UTL का भी दिखा देता हूँ आगे चल के। इस टाइप से आप सेटअप कर सकते हो अपने घर का सेटअप, तो मैं आपको UTL का भी दिखा देता हूँ 2 kW का सोलर का प्राइस क्या पड़ेगा। तो ये है UTL का, तो ऊपर में 1,08,000 बता रहा है प्राइस, हम नीचे चल के देखते हैं क्या क्या है। तो ये हम खोल लिए हैं UTL का सोलर 2 kW कॉम्बो विथ 1200 वाट सोलर पैनल सोलर बैटरी 2 kW गामा प्लस इन्वर्टर, यानी कि ये गामा प्लस UTL का गामा प्लस है, ये भी बहुत अच्छा सोलर सिस्टम है। UTL का बैटरी है और 1200 वाट तक का पैनल है, 1,08,000 पड़ रहा है इसका प्राइस और 1 kW का लोगे इसमें आप तो थोड़ा सा कम पड़ेगा जो कि लगभग 70,000 पड़ेगा, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये UTL का इसमें लगभग 1200 वाट तक का पैनल कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि इसमें जो है 400 वाट का स्टील पैनल है जो कि मोनो पैनल है, 1,08,000 इसका प्राइस है, देख सकते हो इसमें 400 वाट का 3 पैनल है जिसमें 72 सेल्स आते हैं, 2 kW का MPPT गामा प्लस ये सोलर इन्वर्टर है C10 बैटरी रेटिंग के साथ, बहुत ही अच्छा सोलर सिस्टम है ये UTL का, आप ये भी लगा सकते हो। 2 kW का सिस्टम पे आपका मोटर आयरन फ्रीज टीवी और घर का 2 kW तक का सिस्टम चल सकता है। तो आपका घर का लोड ज़्यादा है तो आप 2 kW का सोलर, वरना आप 1 kW का सोलर सिस्टम लगा सकते हो जो मेरा ये सोलर सिस्टम आप देख सकते हो। तो
तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने देखा मेरा घर का बिजली बिल कैसे कम आ रहा है। तो आप अपने घर में ये सोलर सिस्टम लगा के या UTL का सोलर सिस्टम लगा करके आप अपने घर का सारा बिजली चला सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।